हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सुरभि चबाना। अब लेकर आई हूं आपके लिए सितंबर 2020 की जनरल रीडिंग। और अब बारी है हमारी स्कॉर्पियोज की, वृश्चिक राशि वालों की। और ये जो राशिफल है आप जानते ही हैं कैसे देखना है, वेस्टर्न ज़ोडियक साइन, लग्न कुंडली लॉर्ड, चंद्र कुंडली लॉर्ड, नाम राशि, जैसे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं। आप देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है जो कि आपको गाइडेंस देता है, आपको बताता है कि आगे आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में कैसे आपको जो है आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है, खुशियों को हासिल करना है। तो चलिए, आपके लिए मैंने स्प्रेड्स करे हुए हैं, आपके सामने ही कार्ड निकालूंगी स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो देखते हैं, तो कार्ड समय बताइए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मंथ क्या लेके आ रहा है। ठीक है, ओशो जेन कार्ड से भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, और अब हम चलते हैं आपके एंजल्स मैसेज में। देखिए एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम, अच्छा आप देखना भी चाहते हैं। ओके, ओ टू ऑफ वॉन्स आया है, देन ये क्या कार्ड आया है आपका, ये आ रहा है माइंड। वाओ, और ये क्या बात है, ये तीसरा कार्ड तो हम मैसेज बाद में बताएंगे आपको। तो पहले हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके लिए जो है इस मंथ के लिए आया है स्कॉर्पियोज टू ऑफ वॉन्स, यानी कि किसी चीज़ की याद, इंतज़ार, बेहद कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस कब हम पहुँचे, कब ये चीज़ें मिल जाएं, कब कोई चांस जो है आप चाह रहे हैं, कोई किसी अपॉर्चुनिटी की वेट है, कोई चॉइसेस भी हैं आपके सामने, दो चॉइसेस भी हो सकती हैं, बट आप क्या है, आप एक चॉइस को पकड़ के खड़े हुए हैं, दूसरी चॉइस के बारे में सोच रहे हैं सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सोच रहे हैं कुछ और चॉइसेस आ जाएँ, कुछ और अपॉर्चुनिटीज आ जाएँ। तो अभी वेट तो अभी बाकी है इस मंथ, अभी वेट ऐसी ही बरकरार रहेगी। मुझे ऐसा लग भी रहा है कि अभी आपने कोई डिसीजन लेना नहीं है। तो माइंड के लिए अगर हम देखें तो इस मंथ में आपके लिए कुछ भी डिसीजन लेने वाला नहीं है। हाँ, आप ज़रूर कहते हैं ना, माइंड स्टॉर्मिंग करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और सोचेंगे, विचारेंगे चीज़ों की अच्छाई बुराई, क्या चीज़ कैसे है, क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और जो है आपको कोई ओवरसीज़ कोई मैसेज भी मिल सकता है, कहीं बाहर जाने का भी आप हो सकता है प्लान बना रहे हो कि भैया अब हम बाहर जाएं, थोड़ा घूम घूम के आएं, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा चल रहा है कि आपकी प्लानिंग कहीं, क्योंकि इसमें ना बंदे ने ग्लोब हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ग्लोब कह रहा है कि बाहर जाना है, या बाहर से कुछ संदेश आना है, या बाहर से कुछ काम आना है, या बाहर से कुछ ऑर्डर्स आने हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू बाहर एंड अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, कि भैया ये करें कि ये करें। तो आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं पर वो डिसीज़न अभी नहीं ले पा रहे हैं, और अभी आप शायद इस मंथ में मुझे डिसीजन लेते दिख भी नहीं रहे। बॉडी के लिए भी ना, आप जो है बॉडी में भी ना, कहते हैं ना जब हम इंतज़ार करते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, तो अभी उतने बेचैन नहीं है, अभी आपने छोड़ा हुआ है कि ठीक है अभी इंतज़ार करते हैं ना, मतलब कि उतनी इंतज़ार की पीड़ा है नहीं है, लेकिन अभी आप कंफ्यूज्ड हैं कि चलो अभी देखते हैं वाली बात है ना, चलो आगे के देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो अभी उस सिचुएशन में हैं, अभी इतनी बेकरारी नहीं है, तो माइंड में बॉडी में यही चल रहा है। थोड़ा पानी आप ज़्यादा पीजिए क्योंकि ये वॉन्स के कार्ड हैं, हो सकता है आपकी चेस्ट में जलन वगैरह, एसिडिटी होती है ना, वो डकारे टाइप्स, वो सब हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों के दर्द का आपको अपने ध्यान रखना है। और सोल के लिए देखें तो सोल जो कह रही है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया, अभी कन्फ्यूजन का स्टेट है, यानी कि ठीक है ओके, जैसे चल रहा है चल रहा है, रात होती है फिर सुबह हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, उठ जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर शाम हो जाती है, फिर घर आ जाते हैं, फिर चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर खाना करते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। आप बस ये सोच रहे हैं कि बस ये चल रहा है, चलने दो चलने दो, ओके फाइन, ओके विद इट। अब सोल तो आपकी अभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि क्यों, कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं है तो आप उसकी तरफ ज़्यादा सोच नहीं रहे। जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे भी पॉज नज़र आ रहा है, और फाइनेंशियल फ्लो में भी पॉज नज़र आ रहा है। जहाँ से आपको एक्सपेक्टेशन था वहाँ से अभी पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं। अब देखते हैं माइंड क्या कह रहा है आपका।
माइंड में भी वही कहा ना मैंने, टू ऑफ वॉन्स है तो माइंड भी कुछ 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 चल रहा है, खिचड़ी पकड़ी है, माइंड के अंदर ही आंखें लगी हुई है, माइंड के अंदर ही होठ है, माइंड के अंदर ही टंग है, माइंड के अंदर ही नोज है, माइंड के अंदर ही कान है, यानी सारे सेंसर जो है आपके माइंड के अंदर ही चले जा रहे हैं। तो वहीं से सुनते हैं, वहीं से सूंघते हैं, वहीं से सोचते हैं, वहीं से खाते हैं, वहीं से पीते हैं, वहीं से चीज़ों को देखते हैं। तो माइंड ही माइंड काम कर रहा है, बॉडी तो आपकी इस वक्त बिल्कुल स्थिर है, चल रही है। ओके, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, बॉडी का आप इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, करना चाहते हैं। देखिए आगे क्या होता है। और जो आपके लिए कार्ड आया है एंजल्स का, वो बहुत खूबसूरत है। आपके लिए कार्ड आया है लक्ष्मी जी का, नमस्कार करिए, चलिए माँ लक्ष्मी, फ्लो ऑफ प्रोस्पैरिटी। यानी कि ये जो आपका वेट है, ये 15 दिन का वेट है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये 15 दिन का वेट है। 15 दिन के बाद आपकी जो जितनी भी लाइफ के अंदर जिन चीज़ों की इंतज़ार है वो आप डिसाइड कर लेंगे और नतीजों पे पहुंच जाएंगे। और प्रोस्पैरिटी आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब शुरू हो गया, आज 2nd है, कल तक मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। और जो है ये 15 तारीख तक जो 15 दिन का टाइम है वो आपको ये कह रहा है कि बस 2 हफ्ते, 2-3 दिन निकल गए, तो 2 हफ्ते आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आपके सारे काम होंगे। बस लक्ष्मी माँ की प्रार्थना करिए और पूजा करिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए और जो है थोड़ा सा इत्र वगैरह ज़रूर लगाइए, ठीक है। तो ये था आपके लिए स्कॉर्पियोज़ के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर, कमेंट, शेयर तो करते ही हैं आप, मुझे पता है, दोबारा भूल दिया ना मैंने। तो चलिए अब ये थी आपके लिए रीडिंग सितंबर 2020 के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अपना जो खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब खुश रहिए। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।